गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सीमा गोठवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप सब बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और कंपनी लॉ आपका फर्स्ट पेपर है। तो कंपनी लॉ में मैं इससे पहले कई बार लेक्चरों में आपको कंपनी का मीनिंग, कंपनी की डेफिनेशन और उनकी विशेषताओं के बारे में बता चुकी हूँ। तो जो नए प्रावधान आए हैं कंपनी के, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस करा। तो यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं वन मैन कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी। नए जो कंपनी अधिनियम है 2013 के अंतर्गत एकल व्यक्ति वाली कंपनी बनाने संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। पहले जो इसके 2013 के अंतर्गत इसमें चेंजेस किए गए और एकल व्यक्ति कंपनी के जो नियम भी इसमें लागू किए गए, तो हम इसकी डिटेल अब पढ़ रहे हैं। वो इस प्रकार है, कभी कभी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि वह कोई एक व्यक्ति कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी की स्थापना कर लेता है तथा सीमित दायित्व का लाभ उठाने लगता है। ऐसा करने के लिए एकल व्यवसाय का स्वामित्व अथवा सार्वजनिक कंपनी के अन्य व्यक्तियों किन्हीं छह व्यक्तियों अथवा निजी कंपनी की दशा में किसी एक व्यक्ति को अपने हाथ में अपनी कठपुतली के रूप में मिला लेता है। मतलब कभी कभी कंपनी अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं, उसके जो लॉ है वो इस तरह से यूज़ किए जाते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, जो एक व्यक्ति कंपनी वन मैन कंपनी एक्ट जो बना है उसके अंतर्गत कंपनी की स्थापना कर लेता है, ठीक है, एक व्यक्ति कंपनी की स्थापना हो गई तथा स्वामित्व का दायित्व भी उठा लेता है, उसकी लायबिलिटी भी ले लेता है। ऐसा करने के लिए एकल व्यवसाय का स्वामित्व सार्वजनिक कंपनी के अन्य व्यक्तियों से किन्हीं छह व्यक्ति अथवा निजी कंपनी की दशा में किसी एक व्यक्ति को अपने साथ अपनी कठपुतली के रूप में मिला लेता है, डमी के रूप में उसको यूज़ करता है। तो ऐसे व्यक्ति का प्राय उस व्यक्ति के मित्र रिश्तेदार के रूप में ही मिल जाते हैं। यह व्यक्ति अपने पार्षद सीमा नियम बनाते हैं, उस पर हस्ताक्षर करते हैं तथा कंपनी के अंशों में अपना नियोग भी करते हैं। एकाकी व्यक्ति का स्वामी प्राय समस्त अंश लेता है। एकाकी व्यक्ति का जो व्यवसाय है उसका स्वामित्व समस्त अंश ले लेता है और शेष अन्य सदस्य औपचारिक पूरी करने की दृष्टि से एक एक अंश क्रय कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप अन्य व्यक्ति कम अंशों के कारण कंपनी के कार्यों में अपनी मर्जी का प्रयोग करने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार वह प्रमुख एक व्यक्ति ही समस्त कारोबार का स्वामित्व एवं अधिकांश पूंजी का धारक होने की वजह से इस एकल व्यक्ति कंपनी के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार की कंपनी में कारोबार को अपने हाथ में नियंत्रण रखता है तथा सीमित दायित्व का लाभ उठाकर उसे ये व्यवसाय की कंपनी के रूप में चलाता है। तो नई कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एकल व्यक्ति कंपनी बनाने के संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। तो इस संबंध में कुछ उदाहरण निकल के सामने आए, कुछ केसेस स्टडी निकल के आई, वो इस प्रकार मैं डिस्कस करूँगी। जैसे अरोन सलोमन नामक एक व्यक्ति बूट एवं जूतों का थोक व्यापारी था। उसका कारोबार अच्छी स्थिति में था तथा दायित्व के अतिरिक्त उसके पास प्राय संपत्ति भी थी। व्यवसाय में वृद्धि के उद्देश्य से उसने 1892 में सलोमन एंड सन्स कंपनी नामक एक कंपनी की स्थापना की। पार्षद सीमा नियम के अनुसार कंपनी अभिदाता
सात व्यक्ति थे, जिसमें सलोमन स्वयं, उसकी पत्नी, पुत्र तथा चार पुत्र सम्मिलित थे। अर्थात ये सात व्यक्ति कंपनी के सदस्य थे। इस कंपनी के संचालन मंडल का सलोमन तथा उसके पुत्र, दो पुत्र भी थे। वित्तीय व्यवसाय में देखा जाए तो सलोमन ने अपने व्यवसाय को इस कंपनी में 40,000 पाउंड से बेचा, जिसके नगद राशि लेने के बजाय सलोमन का भुगतान स्वरूप एक एक पौंड के मूल्य का 20,000 पौंड का पूर्ण पदत अंश तथा 10,000 पौंड को सुरक्षित ऋण प्राप्त दिए गए। 10,000 पौंड का जो नगद राशि का भुगतान किया गया, अर्थात अपने व्यवसाय के बदले सलोमन को इसका भुगतान प्राप्त हुआ। तो कुछ कंपनी के 6 सदस्य प्रत्येक के पास एक एक पौंड के मूल्य का अंश था। तो कुछ समय पश्चात कंपनी को नुकसान में चली गई। तथा उसका समापन करना पड़ा। तो कंपनी के समापन के लिए उसके पास कुछ 6,050 पौंड की संपत्ति थी, जबकि उसका दायित्व 18,000 पौंड का था, जिससे वह 10,000 पौंड को सलोमन को ऋण पत्रों के रूप में चुकाने थे तथा शेष 8,000 पौंड असुरक्षित लेनदारों को चुकाना था। परिणाम स्वरूप ऋण और पत्रधारी एवं सुरक्षित लेनदान को चुकाने के पश्चात कंपनी के पास अन्य लेनदान को चुकाने के लिए कुछ शेष नहीं था। तो असुरक्षित लेनदानों में यह दावा पेश किया उसका धन पहले चुकाना जाएगा, क्योंकि सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड नामक कंपनी, सलोमन नामक व्यक्ति एक ही थे। तो कंपनी कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में नहीं थी। सलोमन एंड ऋणदाता ही नहीं हो सकता, उसे कंपनी के प्रबंध संचालक स्वयं सलोमन ही था तथा अन्य संचालक भी उसके पुत्र ही थे, जो उसके पूर्ण नियंत्रण में थे। इस प्रकार कंपनी में एक धोखा और कपट पात्र थी तथा ये व्यवसाय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल थी। उसके विपरीत सलोमन का तर्क यह था कि कंपनी सम्मिलित होने की वजह से सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का अस्तित्व स्वतंत्र था, तो जो उसे कंपनी से पूर्ण पृथक था। अतः उक्त कंपनी का ऋण पत्रधारी होने एवं सुरक्षित लेनदानों होने की वजह से अन्य असुरक्षित लेनदानों की तुलना में उसे ऋण के भुगतान में उसे प्राथमिकता मिली। तो इस मामले में ये निर्णय देते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड ने निर्धारित किया कि वैधानिक दृष्टि से सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक स्वतंत्र कंपनी थी, जिसका अस्तित्व उसके सदस्यों से पृथक था, लेकिन यह बात तथ्यहीन है। समामेलन के पश्चात कंपनी का कारोबार उन व्यक्ति के साथ में रहा जिनकी उनकी स्थापना की। तो विद्वान न्यायाधीशों का ये निर्णय रहा कि अधिनियम का यह उल्लेख कहीं नहीं सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य संबंधित व्यक्ति होने चाहिए, या वह मन या इच्छा से ही कार्य करें अथवा कंपनी के निर्णय में अपने अधिकारों को संतुलित हो। उक्त निर्णय के परिणाम स्वरूप यह धारित किया गया कि सलोमन को असुरक्षित ऋणदाताओं की अपेक्षा ऋण की प्राथमिकता का अधिकार दिया गया। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि किसी एक सदस्य का दायित्व उसके सीमित दायित्व से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी की संपत्ति और लाभों का अधिकार तो प्रमुख रूप से वही व्यक्ति है जो अन्य व्यक्ति को केवल इसलिए सदस्य बनाए ताकि कंपनी का समामेलन हो सके। इस प्रकार ये सत्य है कि कंपनी एवं उसके अंशधारियों का अस्तित्व पृथक पृथक होता है। तो सलोमन बनाम सलोमन एंड सन्स लिमिटेड के महत्वपूर्ण विवाद के अतिरिक्त पृथक वैधानिक अस्तित्व के सिद्धांत की पुष्टि कुछ अन्य विवादों केस स्टडी के निर्णय में से भी होती है। और इन सब के बाद
कुछ परिस्थितियों में स्वतंत्र अस्तित्व की वैधानिकता की चुनौती भी दी गई। तो यहीं से एक कहा जाए, जब ऐसे केस निकल के सामने आने लगे जहां फैमिली मेंबर ही सदस्य बनने लगे, तो इस तरह की चीज़ें जब निकल के सामने आने लगी तो एक नए रूल को गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी कि एकल व्यक्ति कंपनी का होना ज़रूरी है। तो एकल व्यक्ति कंपनी का होना इसलिए ज़रूरी है कि परिवार के जो सदस्य मिलके कंपनी बना रहे हैं तो वो तो उसके सदस्य ही हो गए, उसका दायित्व भी उन्हीं का हो गया, तो उसे एकल व्यक्ति के रूप में वो बाहर का किसी व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो उसी के सदस्य मिलके सामने बार बार कंपनी को कर रहे हैं। और ऐसी कई कंपनियाँ निकल के सामने आने लगी, इसलिए एकल व्यक्ति कंपनी की एक स्वतंत्रता अधिकार के रूप में नए प्रावधान को लाया गया कि कोई भी एक व्यक्ति अपनी कंपनी का निर्माण कर सकता है, उसका स्वतंत्रता उसको उसकी मिल सकती है, दायित्व मिल सकता है, उसका लाभ उसको अकेले को मिल सकता है। तो एकल व्यक्ति कंपनी की जरूरत इसलिए ही पड़ी कि कोई भी एक व्यक्ति अपने सीमित दायित्व, अपने सीमित पूंजी, स्वतंत्रता, सीमित लाभ के साथ अपनी कंपनी का संचालन कर सके। तो एकल व्यक्ति कंपनी का यहाँ पर जरूरत पड़ी कि नए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एकल व्यक्ति कंपनी बनाने संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित कर लिया गया कई केस स्टडी के बाद। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।